आप भी सोच रहे होंगे कि पिछले एपिसोड में अदनान भाई की बाइक गिरी क्यों थी। उनको असल में एक बाबा ने सलाम किया और वो उसका सलाम का ऑफ रोड पे एक स्पोर्ट्स बाइक चलाते हुए जवाब देने बैठ गए थे। ये हुआ। बाइक ऑफ कर दो आप। आ गए, हम आ गए। चाचा को सलाम करते हुए तो नहीं गिर गई? नहीं नहीं नहीं, हम आ रहे हैं, कोई ना उठाए। क्या गिरा है? पेट्रोल गिर रहा था। सीधा सीधा करो, सीधा करो, कोई मसला नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस आ गए बिस्मिल्लाह। ये ओवरफ्लो था आई थिंक, रेडिएटर का ओवरफ्लो है, ये रेडिएटर का ओवरफ्लो है, पेट्रोल थोड़ी है। नहीं नहीं, ऊपर से आया भाई। आपकी बाइक से इसने बाइक को तो बचा लिया लेकिन ये गया। हाँ, ये तो गया। खैर है बिस्मिल्लाह, ये इसीलिए तो रखा था। ठीक है ना। लेकिन अदनान भाई आप गिरे कैसे यार? ब्रेक तो नहीं लगा ली थी? सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। सलाम अलैकुम। अभी चलो, आप ऐसा करो, आप मिड में आ जाओ और साथ साथ चलो, ठीक है? क्यों ना स्टार्ट करें, स्टार्ट हो जाएगी। ये नहीं, स्टार्ट हो जाएगी। आपके कहीं लगी तो नहीं है तान भाई? नहीं नहीं, लगी नहीं है मेरे कहीं। बिस्मिल्लाह, चलो पेडल लेके सही है। हाँ, हेडलाइट बंद कर। ये किस चीज का पेट्रोल ये निकला हुआ है बाइक? क्या बाइक ओवर हो गई होगी? पेट्रोल ये तो ओवर का है। गरम हो गई गियर में तो नहीं है? नहीं, स्टैंड उठाए। मारू धक्का, थोड़ा धक्का मार रहा हूँ मैं। चल, हुई नहीं है ना ज्यादा रेत तो नहीं है ना? क्या हुआ? बहुत ज्यादा होगी वो पूछ रहा है रेत। अरे भाई अभी रेत और है, अभी तो कुछ भी नहीं है। चलो आके देता हूँ खर्ची, दुआ कर लो। छोटी आते हैं कौन सी जिप में ना? बड़ी वाली जिप होगी, बड़ी वाली जिप। बड़ी वाली, रुको अकीक भाई, मैं गुड पानी पी लूँ। आप पियो। हेलो, कुछ बाबा जी लंबा आदत होगी। अभी ये मेरे पास खुला पड़ा, ये रखो और देता हूँ मैं, आके देता हूँ इंशाल्लाह। गरम हो रहा है, बोतल में से किसकी? उन्होंने झींगे रख दिए थे, झींगे रखे ना बैग में, पानी में स्मेल आने लग गई झींगों की। ये पानी में इधर आए, मेरे उसके ऊपर आए, मैं जिधर से आ रहा हूँ मेरे पीछे पीछे आए। अदनान भाई मैं जिधर से आ रहा हूँ मेरे पीछे पीछे आते जाओ तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी रोड पे कितना है। क्या हो रहा है? हाँ, जो टायर दोनों चेंज करा है ना। हाँ, ये उसकी वजह से लग रहा है। ये गोल टायर है आपका पूरा? हाँ, पहले फ्लैट टायर था ना, चौड़ा था, फ्लैट टायर था। हाँ, उससे आराम से चल रही थी गाड़ी। अभी आप आराम से चलो, कोई रेस नहीं है। देखो हम, मैं अभी 30 की स्पीड पर जा रहा हूँ और आप मुझे मेरे पास टायरों को फॉलो करते जाओ कि मैं जहाँ से जा रहा हूँ आपको देख लोगे कि मैं कहाँ से गिर रहा हूँ कहाँ से नहीं गिर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ मिट्टी ज्यादा होगी वहाँ मैं आपको बता दूंगा। जहाँ मिट्टी ज्यादा हो वहाँ पाँव रख लीजिएगा आप। अगर हवा कम करके देखें आपके टायरों में, हाँ नान भाई हवा कम करने से बेहतर हो जाएगी। हाँ, अभी रुक जाओ, अभी देखते हैं। ये आया, यहाँ थोड़ी मिट्टी ज्यादा है, दोनों पैर लगा लें, दोनों पैर लगा लें, मिट्टी ज्यादा है। आप बस ये याद रखिए कि आप यहाँ पहले आए थे और आराम से आपने चलाई थी, तो इसलिए कोई मुकाबला नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाह, यूज़ करना है। उल्टे हाथ भी नहीं रहते शायद, हम उल्टे हाथ चले गए थे इस वजह से, गलत गए थे हम लोग। तो हाँ, तो हम बाहर आ गए थे ना, बहुत ज़्यादा हम पहाड़ियों से दूर चले गए थे, हम पहाड़ियों से दूर चले गए थे। ठीक है ना, अभी हम सही आ रहे हैं। नहीं, यहाँ भी हम आए थे, ये भी मुझे याद है, हम यहाँ से भी गुजरे थे। जलालत पार्ट टू, बिस्मिल्लाह, आ जाओ। यहाँ पे रेत ज़्यादा है, ठीक है, पैर अपना लगा के चला लो आप लोग, भले आहिस्ता आहिस्ता पहले गियर पे चलाओ, हल्के से थ्रॉटल पे चलाओ।
ठीक है, आते जाएं आराम से, कुछ नहीं हो रहा। हम लोग जो ना पहले इससे आगे निकल गए थे। हम इससे आगे निकले थे, पहाड़ से आगे निकल गए थे हम लोग। अच्छा, रेत काफी है, ध्यान से, रेत काफी है, ध्यान से मेरे पीछे आए। थ्रॉटल कम रखें, दोनों पैर इस्तेमाल करें। बाबा जी जो है खर्चा मांगने के लिए खड़ा था, इतना मुस्कुरा रहा था, इसलिए मैंने उसको 20 रुपये पकड़ा दिए बाबे को। आप जब पलट के वापस आए उसकी उम्मीदें बढ़ा। बाबा जी आओ भैया, रेत रेत रेत। भाई ये बता रहे हैं जिन्नात को कि मैं इधर को जा रही हूँ। रेत ही है अब यहाँ पर, रेत ज़्यादा ही है, तो राइट पे हो जाना थोड़ा सा। अफसर भाई रेत के लिए राइट पे हो जाओ। मेरे तो पसीने छूट रहे हैं बुरी तरह से, कि मैं ऊपर कर रहा हूँ तो सारी रेत मेरे मुंह में आ रही है। यहाँ रेत ज़्यादा है, आते जाएं आप लोग, रेत ज़्यादा है वैसे यहाँ। अब यहाँ रेत ज़्यादा ही है। हाँ आप अकेले नहीं हो, सबकी हालत गैर हो रही है भाई। आप भाई भी यार जी हो। हाँ धमाका। हाँ आराम से, बहुत आराम से आओ। या अल्लाह, रेत 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 यार, सिजिक मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ हुआ इस वक्त, मेरा ही के पास डाउनलोड हुआ हुआ है। ऑफलाइन मैप में कुछ भी नहीं आता। मैं अभी तो किधर गया मेरा यार, ये शिट, दिस इज ये अनन में। आप अपने वाले पे चेक करके देखिए, ये अपनी तो हिम्मत जवाब दे भाई, ये पीछे गाड़ी आ रही है। हैं पुलिस की है, इसे भी कंफर्म करें। नहीं जाने दो, मोटर पे पेट्रोल। ओहो हो सही आ रहे हैं, अब तो जा रहे हैं तो इनके पीछे पीछे चलते हैं। तो हवाई जहाज है। असल में ये निकलना है, निकलने के बाद टायर वैसे ही निशान खत्म हो रहे हैं रेत की वजह से। हाँ ना, उसने मेहनत कर, उसने मेहरबानी करके ट्रैक बना दिया वैसे। वो तो 4x4 है ना। हाँ गुजर जाएगा, हम फंस जाएंगे। हाँ तो रेत के ऊपर से गुजर गया, हम दस के गुजर गए। वो ट्रैक के निशान ही खत्म हो गए। नहीं नहीं आए, थोड़े थोड़े आ जाए, ट्रैक के निशान है। यहाँ से 4-5 किलोमीटर है बस ज्यादा। तो ये वाला 4-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, वही ना। पूरी गाड़ी घूम रही है हमारी। आप लोग इधर आए, राइट पे आए उधर को, बल्कि नहीं सही, अब जैसे जैसे आ रहे हैं आते जाएं जैसे जैसे आ रहे हैं, प्यार प्यार से आते जाएं। और स्पीड नहीं मारनी, स्पीड बिल्कुल नहीं मारनी, आराम आराम से, बहुत आराम से। वो तो सीधा चला गया, हम थोड़ा लेफ्ट से होकर आ रहे हैं। नहीं आप आ जाओ, वो कुछ नहीं है, आप जो है वो इधर से आ जाओ, हमें जाना उधर ही, उसी रूट पे ही है। अच्छा थोड़ा क्लियर है। हाँ सही है सही है। हाँ तो टीले ही टीले है ना। हेलमेट के अंदर पसीना
गया था मैं भाई। वैसे अंधेरे में, अंधेरे में मुझे लगता है हमने मडी ट्रैक जो है वो निकाल दिया, तो ये तो बहुत आसान है। हाँ। भाई यहाँ धस गई है कहाँ पे मेरी? भाई रुके, अबे रुकूं कहाँ? हाँ। ये गाड़ी फंस गई है कार की। तो यूं निकाले, सीधा धक्का देते हैं, यूं निकाले। दो बंदे धक्का दो, दो बंदे, एक और आजा। एयर मार दूं ना? हाँ। अकेला अकबर लगा हुआ, एक और बंदा हेल्प करा दे यार। दानव भाई मुझे पता है थकन हो रही है, लेकिन हिम्मत से हेल्प करा यार। यार मेरे ख्याल से तो पीछे करके यहाँ से निकाल दे, पीछे धक्का लगेगा। इधर इधर निकाल दो, इधर निकाल, इधर यूं निकाले ना, सीधा सीधा उल्टे हाथ पे। आगे वाला धस रहा है पूरा, जाम हो गई है भाई। अब सर गाड़ी से उतरो और पहले गियर में डाल के गाड़ी से चलाओ। यहाँ राइट राइट से आते हो आप लोग, लेफ्ट लेफ्ट से ना, क्योंकि यहाँ तो रेत बहुत है। हाँ इधर ही से निकालो। हाँ अस्तग़फ़िरुल्लाह, बिस्मिल्लाह, हाथ से निकाले अब। उल्टे उल्टे हाथ ही रखते हैं, मेरे पीछे आना है। आप लोग उधर लेफ्ट से आ रहा हो, लेफ्ट पे रहो, लेफ्ट पे रहो, आप लोग लेफ्ट से निकालो थोड़ा थोड़ा। आगे रेत है बहुत। हाँ हाँ जा तो रहा है, ये निशान बना हुआ है मेरे पास से बाइक का यार, लेकिन रेत है ना। आ जाओ लेफ्ट पे रहो, लेफ्ट पे रहो और आ जाओ, लेफ्ट पे रहो, आ जाओ लेफ्ट से, आ जाओ सही है, हिम्मत करो, आ जाओ बनेगी भाई। मेरे निशानों पे पीछे आते रहो, जगह बना के पहाड़ियों में चढ़ाने में चढ़ा दो गाड़ी। क्या करें, भागना नहीं है, वापस नहीं जाना भाई। नहीं नहीं तो निकाले किधर को? वहीं से निकालो, आ जाओ आ जाओ, किधर हो? यहाँ हो ना, ऊपर से इधर से ऊपर जाओ। अरे मेरी बस गई भाई, मैं कहाँ से आऊँ ये बताओ। ठीक भाई आप वाले रास्ते इधर लेफ्ट से आओ। अल्लाह रेत का तूफान, धूल मट्टी, दोस्तों का डीमोटिवेट होना और उनका फंस जाना, किसी भी गैर ज़रूरी किस्म की गुफ्तगु आपको गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी होती है। सारे तीन हो गए, अब क्या करूं यार मैं, ये बताने का क्या फ़ायदा? चले यार, रुके इनको अपना हकीक भाई, चलो भाई लेफ्ट से आओ, मैं कह रहा हूँ लेफ्ट से आओ, लेफ्ट से आओ। लेफ्ट से ही आओ यार, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है ये रेत। पर भाई तो बहुत रेत है यार, की कोई क्या करे। लेफ्ट से आओ, लेफ्ट से, लेफ्ट से, लेफ्ट से यार, लेफ्ट से। हम लेफ्ट पर ही है सर, यहाँ तो नजर ही नहीं कुछ आ रहा सर। आप लेफ्ट पे नहीं हो, आप मेरे राइट पे हो। आप ये अकबर जहाँ से निकल रहा वहां से जाओ, वहां कम है रेत, ये रेत का पूरा वो टीला है। क्या हुआ अकबर, क्या हुआ अकबर?
क्या हुआ अकबर को क्या हुआ? उसने मेरी वो गाड़ी बीच में फंस गई थी, वो निकाली अभी यार अपना पानी की। आप बहुत लेफ्ट जा रहे हो, बस राइट पे आ जाओ। हाँ राइट पे आओ, अब यहाँ से इस रूट पे निकालो। हाँ। ये रूट ज्यादा इजी है वो दादा आसान था। क्या दादा आसान था? वो वाला यहाँ धस गई है। ओ भाई नहीं धसेगी, थोड़ी हिम्मत करो, पुश करो, निकलेगी। हाँ निकलेगी। भाई आपके सामने कौन आ रहा है? अच्छा नहीं, मेरे सामने कोई नहीं आ रहा। पानी डालो यार। अरे यार अच्छा इतना हो रहा है। अकबर नीचे रख दे, रुक जाओ। अकबर भाई रुक जाओ, रिलैक्स करो, मैं आ रहा हूँ। ऊपर क्यों चढ़ा रहे हो? जब मैं कह रहा था यहाँ नीचे से आ जाते। नीचे बहुत मिट्टी है, यहाँ ऊपर कम है क्या? उल्टे हाथ से है तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ ठीक है, यहाँ साइडों से होते हुए आओ आप लोग, यहाँ साइडों से। यहाँ पपड़ी पपड़ी नज़र आए ना उस पर चलाओ। क्या हुआ क्या? एंजाइटी अटैक हो रहा है इसको, कुछ नहीं हो रहा। अदनान भाई एंजाइटी अटैक हो रहा है, हिम्मत की जरूरत है, रिलैक्स करो। देखो भाई क्या हो रहा है। हाँ आगे रास्ता ब्लॉक है, एंजाइटी अटैक हो रहा है आपको, परेशान हो रहा हूँ, घबरा रहा हूँ। अच्छा भाई देखो, बात सुनो भाई, मुझे इससे कुछ नहीं है कि मैं इसमें कामयाब हूँ या नाकाम हूँ, जान है तो जहान है। अगर थोड़ी हिम्मत करोगे, जितनी ख्वारी बर्दाश्त कर ली थोड़ा आगे है, अगर हिम्मत नहीं हो रही तो ये कोई ज़िंदगी का वो मोड़ नहीं है कि कभी नहीं कर सकते दोबारा। अभी आप लोग बताओ, थोड़ा आगे जाना है या वापस जाना है? क्या हुआ? हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है तो अब क्या करना? क्या आगे फंसा है पीछे? थोड़ा सा तो पीछे चले, थोड़ा सा पीछे ले चले, ठीक है फिर आगे कोई हम रास्ता निकालते हैं इंशाल्लाह। ठीक है बैग आपका दिखाओ मुझे। अकबर कैसे ले जाके जाओगे? अकबर भाई पहन लूँगा मैं। हाँ अभी आप इसको हैंडल करो सर, ठीक है। बैग आप कैसे? अकबर ले रहा है ना, उसका अपना बैग नहीं है, उसका वो है अपने, उसके बाद वो पीछे बैग बंधा हुआ है, ये बैग पैक पहन के कोशिश करेगा। ऐसे हिम्मत नहीं आ रही, अब यहाँ खड़े होकर मरना ही है, यहाँ सिर्फ मौत आनी है। ठीक है अब यहाँ से वापस चलना है हमें। देखो ये कीचड़ वीचड़ हाथ आपका बंदा जा रहा है, आ रहा है कोई मसला नहीं। अब यहां मैं इनको किसी तरह से कायल कर लेता, लेकिन अगले वाकये ने गोया ताबूत में कील ठोक दी। यार गाड़ी तो आ रही है, इनसे पूछे तो 300 गाड़ी आ रही है। अरे वो उनके अपने काम ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये आगे ये अपना भुजी को तक ये रास्ता है या ये रास्ता बंद है सारा? नहीं नहीं यही है, यही है। यहाँ से आगे कितना होगा? आगे होगा आगे इसका
रेत बहुत है ना, बस ये आगे मैदान है इंशाल्लाह। आगे मैदान है, कितना आगे से होगा मैदान? मैदान बस 4-5। अच्छा, इसके बाद जो है वो पहाड़ी आएगा, पहाड़ी के साथ। नहीं ये अभी ये तो हम रेत में फंसे हुए हैं। हां इससे ये तो रेत ही आगे उधर तक एंड तक है, ऐसी रेत है, ऐसी रेत। चलें ठीक है मेहरबानी, ठीक है जज़ाकल। कह रहे हैं उधर तक एंड तक यही रहता है, तो एंड तक यही रहता है, इसी तरह ही रहता है, गहरी रहता है। कह रहे हैं अपनी गाड़ी गाड़ी टो कर रहे हैं पर। चलो अकबर भाई ये देखो, ये पहन सकते हो तो मुझे बताना, अपनी बाइक में से हवा कम कम करो, एक मिनट रुको। हाँ ये पकड़ो, घुमाओ इसको, पहले दो लोग मिलकर घुमाएं ताकि ये अदनान भाई इसकी हिम्मत हो चलाने की। पहले बाइक को घुमाओ, दो बंदे मिलकर घुमाते हैं। आ जाओ अदनान भाई, हट जाओ। अभी क्या वापस जा रहे हैं? अब क्या करें यार, वो कह रहे आगे 4-5 किलोमीटर तक ऐसी रहता है। अच्छा। अब ये देखो ये 4x4 भी जो है, ये डाले भी हैं, ये भी ऐसे हो रहे हैं। और आप भी लोग ये देख लो कि अगर हम देर करेंगे तो ये रेत पे रेत चढ़े जा रही है। वापस जाके वो उधर आगे वाले रास्ते से ट्राई मारें यार, मैं तो कर रहा हूँ अभी, अदनान की हिम्मत नहीं हो रही। वहाँ तक पहुँचते हैं पहाड़ी तक, ये कह रहे हैं रास्ता तो यही है, ठीक है, लेकिन अब हिम्मत की बात होती है, आगे देखेंगे। हाँ अगर हम वो वाले रास्ते से आते ना, जो उधर जहाँ झंडे लगे पुराने रास्ता जो है, हाँ वो भी इस वक्त रेत से ढक चुका होगा सारा। सही है, वो कह रहे हैं आगे तक ऐसे ही है, कह रहे मैदानी है आगे, ये कम है मैदान है, लेकिन मैं यार ड्रोन भी नहीं उड़ा सकता ना, हवा तेज है बहुत। कई गाड़ी फंस गई भाई, अपनी गाड़ी फंस गई, अरे फंस गई यार, पुश कर दो ना। अजीम भाई आगे क्या कंडीशन है? अजीम भाई धक्का लग, अब छोड़ दो, फिर खोलोगे फिर उल्टी होगी भाई, देखा फिर कर दी ना उल्टी। पानी पीना है? पीने का पानी निकालो। अजीत भाई आपके पीछे इसमें बॉक्स में बहुत घूम रहे हैं, तो हाँ ना चौथी अटेम्प्ट फेल। ये इसमें क्या बदबू आ गई है? ये वाटर बैग में थोड़ी आई होगी अपना, वाटर बैग खाली कर ले। कौन सा वाटर बैग? जो अदनान भाई के पास बहुत आ रही है, मेरे पूरे बैग में आ रही है, उस वाले वाटर बैग में से कैसे आता है अदनान भाई के बैग? अरे वहां से उतरते हुए जाते। खैर है, खैर है, खैर है, कोई रश नहीं है, हिम्मत करें, बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं। थ्रॉटल को हाफ क्लच मत दे, थ्रॉटल देते रहें और आते रहें बस, आहिस्ता आहिस्ता जब उतरने लगे खड़े हों और हल्का सा पुश करें। हाँ सही है, यार कोई पुश कर दे, नहीं निकल अदनान भाई को पुश कर दे यार कोई। देखें ये करेंगे तो आप हाइपर वेंटिलेट होंगे, बिल्कुल रिलैक्स सांस लें अपना। अब देखें यहाँ पर आ जाए भाई, आप शीशा खोल दें क्योंकि मिट्टी नहीं आएगी, वेंटिलेशन होनी चाहिए पूरी। आपको आप लोगों की सपट बीच की खूबसूरती के बारे में क्या राय देते हैं? अदनान भाई, ये हमारे भाई, ओ भाई मैं चला जाता अगर मेरे पास 3-4 YBRG होती तो साथ होते। ये आप लोगों की बाइक की वजह से ज्यादा हुआ इसमें। हाँ ये बाइक जिसके लिए डिजाइन नहीं की गई ना, जिस चीज के लिए, ये मसला था, वरना मैं और अकबर तो चले जाते। अकबर ने भी टायर अच्छे लगाने थे बस।
तो ये थी जनाब हमारी सपट की चौथी विपता। इसमें हमने सीखा कि दोस्ती अपनी जगह, लेकिन हर मोटरसाइकिल का एक मकसद और हर राइडर का एक स्किल लेवल होता है। अलबत्ता टीम के साथ चलते हैं तो किसी राइडर को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। कहीं भी जाने के लिए वक्त और मौसम अहमियत रखता है, और हार मानना हमने सीखा ही नहीं। चलें, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में।